रज्जू जो फूल देख के बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगी। उम्र हो गई तो कब हो, आज सारो देखेगी तो कहेगी हम कौन मजनू से कम नहीं है। ये अलग बन बनाई घूमती। सुनो तनक हमारे पास तो आओ। कहे आए कहे तुम ऑर्डर माने हम। हाँ ऑर्डर थोड़ी कर रही तुम्हें। सुनो हम तुम्हें ऑर्डर दे सकते हैं, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही, हमारे पास तो आओ हमारी रानी। नहीं काय बोलो। वैसे सुनो मन तो हतो के अपनी रज्जू की लाने चांद तारे झारू तोड़ के ल्याए और तुम्हारी गद्दी में धर दें, लेकिन कोई बात नहीं वो बाद में सही, फिलहाल जो तोहफा कबूल करो मेरी जान। जब गुलाब और हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों की जिंदगी में काटे ही काटे भरे भाई आई, बस समझ में। ऐसो काहे बोल रही हमारी जान। जान तुम सबने मई खाई रखी है, ठीक है दिखता ना तुम्हें थक गए हम। कहो गो तुमने आज ससुर करेला को जूस पी लो का। करेले का जूस हमने ना पियो है, तुम्हारी अम्मा ने पियो, बाको अर्क हमारे अंदर घुस गया हुआ है, तभी ऐसे दिख रहे हैं हम। एक अम्मा को साइड में रखो ना ऐसे रोमांटिक सीन में, तुम अम्मा को गुस्सा हम पे काय उतार रही। ये तो कौन पे उतारे हैं, ब्याह तुमसे बहु है ना अम्मा, कहो जाके पड़ोसी के पास जाए निकाल ले गुस्सा अपना उते। यार तुम ना एक काम करो, हफ्ता में सारो एक ठैया दिन फिक्स कर लो और सारी भड़ा समाई खोपड़िया पे निकाल दो चलेगो, लेकिन बाकी दिन हमारे मूड की मतलब तुम ऐसी तैसी ना करू करो। मूड की ऐसी की तैसी हमने कर दी है मतलब। हाँ ऐसो है गड़बड़ को काम कर रहे हैं हम, ठीक है तुम्हारी तरह आराम ना कर रहे हैं, ठीक है थकान नहीं हो जाते का। हाँ इतने मूड रोमांस सूझ रहा हो जैसे। अरे यार थकान की क्या बातें कर रही, हम सारो चौकी में मतलब रात दिन काम करते हैं, लेकिन घरे आके कब हम थकान को रोनो न रोते। का काम करो तो तुम जाके थाने में बैठा तो जाके समोसा ठूसा तो, बाकी बाद एक आदमी आई है मालिश कर रही है, ठीक है लद्दे से पड़े रहा तो बाको काम नहीं कहो जाते है आई, बस समझ दो रोका जी। अरे दादा एक आठ ठगिया सारो कबू समोसा खा लो, ये इतना काम की थकान हो जाती है, चाय के संग समोसा पी लो तो कौन सा बड़ो गुनाह कर दो। हम भी नौ नौ ठगिया पाल रहे छाती मार के सारो पैसा कमा रहे, बाको कछु नहीं है, हद करती यार तुम। हद हम नहीं हद तुम कर रहे हो, बुला के ले आ बुटानी को। हाँ बताई दिए कौन काम करते दुनिया जाना था, काम हम करते तुम नहीं करते आई, बस समझ में। अरे यार रज्जू तो हमारे और तुम्हारे बीच में कौन कॉम्पिटिशन थोड़ी है। तो बराबरी भी नहीं है, नहीं है बराबरी, कैसे हम तुमसे ज्यादा काम करते हैं दुनिया जा की सबूत है, आए जा तो थक जाते हैं तेईसो कैसे काम करते हैं, बाकी बातें चढ़ जाते रोमांस। अरे दादा मुंह लेके आएंगे भटा सो अपनो बैठ जाइए, खुद तो ठूस के आइए समोसा। देखो फिर हम सो जाएंगे तो सो जाओ ना, कहे को पढ़िया खाए रहे हो हमारी, कहो तो दे तुम्हारे मुंह में दो ठूसा, नींद आ जाए अच्छे से। हाउ हाउ बहनी यार बढ़िया सी एक अदरक वाली चाय पिलवा दे, हमारे सवेरे वालू माहौल ना बन रहो। अरे तो क्या हुआ यार, आवाज लगा तुरंत हाजिर हो जाएगी तुम्हारे लिए तो। सुन आज बिल्कुल चांस ना है चाय को। क्यों फिर से कोई नया पंगा कर लिए क्या? ना ना सवेरे से कुप्पा जैसो मुंह फुलाए कदुआ जैसो ससुर, इन औरतन की यही तो दिक्कत, जान बूझ के हैं गड़े मुर्दा पहले उखाड़ेंगी पुरानी बातें उखाड़ेंगी और सारो दारो मदार हमारी ऊपर डाल देंगी। तुम्हारी जब बात थी तुम्हारी दिमाग खराब कर दो, अब मुंह फुलाएं बैठी। अरे यार चुमूलाल सुनो क्या होता ना, जब भी बीवियां नाराज हो या तुम्हारे ऊपर कुछ भड़क रही हो कुछ सुना रही हो ना, तब मनी मन में ना कोई एक ऐसा जोक ऐसा कोई चुटकुला याद कर लो, मतलब जिससे कि हंसी आए। उससे क्या हो ना दो बातें होगी, एक तो तुम्हारा दिमाग जो है ना हंसी और हास्य रस में रहेगा, और दूसरा तुम्हारी बीवी जो भी कुछ आल बाल बक रही है ना तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, समझ गया? नहीं तो जो बात जो तरीका है ना वो काम कर तो, जब लुगाई थोड़ी दूसरी टाइप की है ना, जब अतरंगी है जब कान खा जाती है काय सुन रहे ना काय, एक तो काय 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 करके दिमाग को दही कर देती है। बेबी चाय। थैंक यू जीजू, आंखें बंद करो ना, मुझे बेनी से कुछ बात करनी है। चुमलाल आंखें खोल ले। खोल नहीं लेकिन सुनो
तुमने जो चमत्कार कैसे करूं, जो लड़की सोसो शादी के बाद आके तुमसे ही चाय बनवाती थी, आज वह गरम गरम चाय ले आ रही, वो गरम गरम पप्पी दे रही, कैसे कैसे? देखो ऐसा है चोमूलाल, भले तुम्हारी शादी हमसे सदियों पहले हो चुकी हो, लेकिन बीवी को कैसे पटा के रखते ना, इस मामले में हम तुमसे बहुत आगे हैं। कहे कि हमारे पास है बीवी पटाऊ नुस्खे। ऐसी नुस्खन वाली किताब से हम वंचित रह गए, हमें ना पता सारी कहाँ छपती है। कहना चोमूलाल, बीवियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो है उनके मायके वाले। अगर हम पति लोग उनके मायके वालों की बहुत तारीफ करते रहे भर भर के, तो उनको ऐसा लगेगा ना कि हम उनके मायके वालों का सम्मान करते, उनको पसंद करते, उनको कद्र करते हैं। भले बिल्कुल ना करते। हाँ बिल्कुल। कल परसों क्या हुआ रात में कि बिमलेश आई और मैं बैठा हुआ था, और मैंने ना वो क्या नाम है उस चिरकुट भैया बाबू, हाँ डूमर डूमर, हाँ लीचर लीचर, उसके नाम ने भर भर के तारीफ की, एकदम छज्जे पे चढ़ा दिया उसको, और वो खुश। तो देखो उसका नतीजा ये, सुबह से बेटी के साथ ये दूसरी तीसरी चाय विद गुड मॉर्निंग किस मिल चुका है। मैं विश्वास ना हो रहा हूँ, लेकिन जो नुस्खा एक बार अपनाएंगे जरूर। अरे आजमाओ यार, मतलब 100% सक्सेसफुल नुस्खा है बेनी प्रसाद BLLB का दावा ही है। तो हम जरूर अपनाएंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छा बेटा, बिमलेश ने जब दही तो खुश हो गो, हमने दही तो बहू घर में घी खत्म हो गो का? नाना अम्मा बहुत धरो है कहे ना, खूब धरो तो का, तू लगाना भूल गई है जे इतने सूखे सूखे, क्या रोटी है हमारे गले से नीचे ना उतर रही है? ऐसो है अम्मा, जे पूरी ना है पराठा है तो जाको तल नहीं सकते हम। अब तेरी लुगाई नास बेटी, हमें पूरी और पराठों का फर्क बता रही है गी? बताओ। मैं क्या बताए? तो ना बताओ। ना बताए? अरे तो तेरी लुगाई है तो को ना बताएंगे तो का पड़ोसी को बताएंगे? अरे दादा जो है बटर लो पी लो। Grandmother, meaning mother, what me saying is that me is having problem with paratha also, with the ghee also and butter also. So, आप कुछ और दे दो ना, because ऐसा कुछ मैं oily या कुछ भी ऐसा पराठे वराठे खाती हूँ ना, तो मेरे face पे कुछ अजीब सा हो जाता है। You please give me something else. अरे तो दही के साथ ले, फैट कटे। मुंह बंद कर ले अपनो एक तो। और ऐसो है केट, हमें तो खान सावा ना लगे हैं, ठीक है? जो बनो चुपचाप खा लियो। आई बस समझ में? अरे अम्मा देव, खाना पीना के चक्कर में एक बात बताना तो भूल ही गए। अम्मा सपने में हमें ससुर जी दिखे। Oh my God, father, you know what? When you're watching a dead body inside in your dream, na, then that dead body becoming everlasting, long lasting. क्या कह रही? पापा मैं ये कह रही हूँ, जब आप किसी इंसान को मरा हुआ देख लेते हो ना अपने सपने में, तो उस इंसान की आयु काफी लंबी हो जाती है। ओ दादा ठहर जा, मरे भाई नहीं, हमें जिंदा देखे है? जिंदा हैं भी अबे। तुम्हारे पापा तुम्हारे सपना में क्या कर रहे थे हैं? क्या बताएं? भर भर के पेल अम्मा बेल बेल के आशीर्वाद दे रही थी। हमने देखो रज्जू, हमने देखो थकी हारी ससुर जी हमारे सामने लेटे, और हम उनके ऐसे अच्छे भाव से, देखो इतने हिचकी आ रही, कसम से कह रहे इतना याद कर रही है भी हमें। हम उनके पांव दबा रहे और भी हमें भर भर के आशीर्वाद दे रहे, हमारा प्रमोशन हो जाए, हम कमिश्नर बन जाए, IG बन जाए, DIG बन जाए, ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। जब हमारी आंखें खुली आसमान से भरी थी। हाँ भाई, प्रमोशन की बात पे यकीन ना भाओ? हजम ना भाई, रज्जू कैसी बात है? ना हजम तो भावना है ना, समझ रही तो मम्मा। हम तो जो सोच रहे थे, हमारे जो मित्रगण हैं, दोस्त यार हैं, अरे ऐसी ससुर मिले उन्हें कलेजा कांप जाए, गुर्दा मुंह में आ जाए। और एक हमारे आहा गब्बर सिंह, इतने अच्छे इंसान है, बच्चन पे देखो हमारे लौंडला पहाड़ियन पे, ऐसे कब उन्होंने पैसा ना देखो, मुंह ही ना देखो पैसा को, ऐसे खर्च फिर हाथ सब पे खर्च करती है, कितने अच्छे इंसान है रज्जू के पिताजी। हाँ पापा जी, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे पता है नाना जी, जब भी हमारे घर पे आता थी तो गिफ्ट लेके आती है ना? तो मम्मी जी, नाना जी कब दोबारा आ रही है? निकाय ना, उनके गिफ्टन की बड़ी याद आ रही है। कमाएंगे
तुमने बात बीच ही में कहीं रोक दी, बोलो ना तुम क्या बोल रही थे। हम यू बोल रहे थे, कसम से कह रहे ऐसी समझी काऊ की नहीं है जैसी रज्जू हमें मिली। भगवान को रूप है, कसम से कह रहे, दिल से उनके लाने असम्मान हमारे लाने, दिल से सम्मान फूटते हुए तुम्हारे पिताजी मतलब। अरे तुम गदरा काटे चले। बस बस दादा, अरे टू मच बेटर मदर। My dear mother, what me saying is that my dearest father, na, is missing my grandfather, है ना father? काके रीडी को। पापा मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा मिस कर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे दिल की बात कह दी, बिल्कुल रज्जू देख नहीं, कसम से कह रहे जब से अम्मा डोकर गए हैं ना, पिताजी की कमी हमेशा हमें अखरती थी। रज्जू से ब्याह जब से बहु है और जब से गब्बर सिंह हमारी जिंदगी में आए हैं, आहा पिताजी की कमी बिल्कुल फील ही ना होती है। उन्होंने हमें जीवन में आके पिताजी की कमी पूरी कर दी। कोई जरूरत नहीं नालायक, तेरी अम्मा के लिए मैं बहुत हूँ, समझा क्या? एक बात तो है, तेरे ससुर इतने बुरे भी ना है। हाँ। जब भी आते हैं ना हमारे लाने तो एक दो इंग्लिश तो लेके ही आते। अरे तुम्हारे लाने तो उन्हें मुंह से कही है कि हप्पू सिंह तुम्हारी अम्मा को तो सारो सामान हम भिजवाएंगे। और वैसे भी तो अम्मा को लेन देन वाले आदमी तो बहुत पसंद है। क्या अम्मा हमें घी वाले पराठे पसंद आएंगे। चलो सुनो, रात में तुम्हारे लाने सरप्राइज है। क्या कह गई मम्मी? तुम पराठू खाओ। जो लीचड़ आदमी को घटिया आइडिया काम कर गो। अरे चुमला, बताओ बेनी प्रसाद बीएलएलबी का नुस्खा काम आया कि नहीं? बेनी काम आओ, कदम से कह रहे सारू सुपर हिट नहीं तो खुशियां दौड़ गई घर में। सुनो अब ऐसा हल्के पतले से नहीं, मतलब भर भर के संदर्भ सहित व्याख्या करो, खुल के बताओ। हाँ, हाँ, देख सबसे पहले तेरे कही अनुसार हमने बागी बाप की मतलब गब्बर से पेल पेल के तारीफ करी, इतनी लंबी लंबी हाँ की, इतनी लंबी लंबी का मतलब ऐसा सीन बन गो की 2 मिनट के लाने तो हम ही के लग रहे हो तू सारो गब्बर सिंह की कोख से हम ही ने जन्म लगो का स्वयं माहौल बन गो। तो समझते नहीं हो। हाँ। देखो क्या ना, औरतें बहुत चिरकुट होती हैं, वो ना 2 मिनट में ना झूठ को भाप लेती, पकड़ लेती, इसलिए इतना ही फेंको जितने में वो पकड़ ना सके। हाँ। तो हमने बहुत ही लिमिटेड नाप तोल करके बातें करी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन रज्जू बहुत ज्यादा खुश हो गई जब बात से, बिल्कुल होलोला रही है। बहुत बढ़िया। फिर क्या, फिर हमें जो लगू कि यार हमारी जई औरत आए। हाँ। आज हमने तनक तारीफ कर दी जाके बाप की, तो बिल्कुल ही मतलब प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा हो तू। जौन औरत हमारे लाने मतलब ऐसे अपनो फन डसने के लाने रेडी करके बैठी रहती थी, आज बिल्कुल हमारी बीन पे नाच रही, जो कह रहे वही कर रही। यही तो है, यही है। देखा चुमलाल, बेनी प्रसाद बीएलएलबी फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नुस्खा एकदम सुपर हिट है। जब बात हमारे दिमाग में भी आई कि तू भले सारे दो गौड़ी को घटिया कबों कबों आइडिया दे, तो लेकिन कबों कबों तेरे नुस्खा टूटका सही जगह लगते हैं, सही काम करते हैं, तुक्का लगते है ना तेरो मुन्ना। ये सब कबों कबों और तुक्का उक्का ना, फिर बाकायदा रिसर्च करना पड़ता है। और सुनो, रिसर्च कहाँ से करते हैं यार? हमारी बीवी चिरकुट से मैगजीन लाती है, उस मैगजीन के पिछले पन्ने पे ना बढ़िया बहुत सारे नुस्खे ऐसे रहते हैं, उसमें से हम जो अंडरलाइन करते तो वही वाली रिसर्च करके तुमको बता। तुम रिसर्च करते रहो, हमारा जीवन सुखी है। सुनो, हमारे घरे सुख ही सुख लग रहा है, जा रहे सुनो शाम को टिकाएंगे। सुनो 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 सुनो, ऐसे ऐश करते रहो, एक बात बता मतलब मिली कि नहीं? आओ हम सब बता दे, जाओ जाओ। सुन रहे? कमलेश, यू नो व्हाट मी सेइंग इज दैट सम पीपल इज वेरी मच लकी, मीनिंग भगवान उनके लिए कितने अच्छे दोस्त चुनते हैं यार।
मतलब whenever that person, that friend needing their friend, they just calling for one voice and the other friend coming running on their side. Arket, oh my God, Arket, why you so much praising me in front of my face? Excuse me, Kamlesh, me is not talking about you. Me is actually talking about my friend Suman and her best friend Bum Bum. Meaning, you know what? Bum Bum always doing so much for Suman. One day, Suman, she actually getting accident happening, then Bum Bum running and getting blood for Suman. तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? अगर कल को तुम ट्रक के नीचे आ गई, तो मैं भी अपना खून दे सकता हूँ, अपना ब्लड दे सकता हूँ, अपना बॉडी पार्ट दे सकता हूँ, अपना ऑर्गन दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ यार Bum Bum की तरह। नहीं एक सेकंड, तुम चाहते हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए? मीनिंग कमलेश, तुम you understanding what you're talking? Meaning you watching the difference in between you and Bum Bum, yaar. Meaning watching this, yaar. You wanting my accident happening. So much difference in between you and Bum Bum. What difference about me and Bum Bum? Kamlesh, you know what? Bum Bum is na Bum Bum. One day he not one day. Actually, he always keeping fasting for Suman so that she getting good marks. And what you doing? Okay. Me not doing the fasting for you, but me making the notes, cheats. फर्रे बनाए यार मैंने तुम्हारे लिए। गुइया फर्रे बनाए तुमने मेरे लिए हैं। हिंदी के एग्जाम में तुम मुझे साइंस के फर्रे दे देते हो, इंग्लिश के उसमें मुझे पता नहीं कौन से वो लास्ट टाइम कौन से थे मैथ्स के फर्रे देते, वो भी इंग्लिश के एग्जाम में। ओह माय गॉड, व्हाट द रॉन्ग इन दिस? सी कैट, सी अ हॉर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वेल, अ वाटर नॉट कमिंग डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ हॉर्स फ्रॉम द वेल विदाउट एनी हार्ड वर्क। क्या बोल रहे? मतलब थोड़ी बहुत मेहनत तो घोड़ी को भी करनी पड़ती है ना यार। घोड़ी Kamlesh, you're telling me one thing. What you doing? Oh my God, cat! You're not knowing level of my friendship. If you're telling me just breaking the moon star from the universe for you, it's not easy, eh? Yes. Me jumping from the mountain for you. मजाक चल रहा है ना यहाँ पे? It meaning it's joking. No. खैर तुम मेरी जान की छोड़ो, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ तुम्हारे लिए. My God, really, Kamlesh? Yes, cat. Actually, when time will come, me giving exam and that exam becoming biggest example for friendship. Kamlesh, saying this in Hindi, क्योंकि मुझे तभी विश्वास होगा. मतलब अगर टाइम आया ना और तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं वो करके दिखा दूंगा और वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाएगा दोस्ती के लिए. कैट एंड कमलेश फ्रेंडशिप. माय गॉड कमलेश, यू नो व्हाट, अभी के लिए यू लीविंग दैट एग्जाम, लेट्स गोइंग एंड ईटिंग नॉर्मल. ओके, यस, लेट्स गो. या कलियानों तूफान की दुकान पे 3:30 बजे. वैसे सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं. खुश हैं? और बेटा जो बात सुन तू, अब जा खुशी जोन जी तू हमारे चेहरा में देख रहा हूँ ना, जो लंबे टाइम तक रहने वाली है. अच्छा, ऐसा कौन सा खुशी का टोटका मिल गया आपको? टोटका ही तो मिल गया हुआ दादा, वो भी बीबी को खुश रखने को टोटका, जो 100% सक्सेस है. सर ये गलत फहमी बड़ी बुरी बीमारी है, फिलहाल आपको लग गई है और जिस किसी को ये बीमारी लगती है उसके कर्म फूटते ही है. नहीं, तू तो गलत है. देख, अगर तू को जिंदगी में, बल्कि दुनिया के कोनो भी मर्द को जिंदगी में खुश रहने हैं ना, तो हमारा टोटका अपनाए अपने मायके वालन की. मनु तेरी है मायके में कौन है ना सह ना, उनकी पेल पेल के तारीफ करो. सारो मन में से 4 गालियां दियो, लेकिन वैसे मुंह से भर भर कर तारीफ करो भी बिकॉज. लेकिन सर मुझे ऐसे लगता है कि ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है. मेरा मतलब कि अगर ज्यादा तारीफ करने से मायके वाले घर पे आ टपक पड़े तो? तू मनुवर पैदा इसी मनुष्य है, ये जो नौकरी के बाद मनुष्य हो ठीक है, फालतू की बात कर रहा हूँ. सॉरी सर, मैं तो बस तसल्ली के लिए पूछ रहा था. वैसे मैंने कहीं सुना है कि अगर ज्यादा तारीफ करे तो वो इंसान घर आ जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहूँ कि तुमने तारीफ करी वो आदमी टपक के तुम्हारे घर पे आ गया. हाँ जानी मन, बोलो. सुनो, हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं ना, बात को सुन के तुम भावुक ना हुई हो. अरे दादा का बात रज्जू, हमने तुम्हारे लाने का छू स्पेशल प्लान करो है. अच्छा, बोलो बोलो बोलो. तुम पापा को बहुत याद कर रहे थे ना, तो हमने पापा को इतने बुलाए लो है. का? ससुर जी को तुमने घरे बुला लो? यार उन्हें बुलाने की का जरूरत थी? का मतलब?
नहीं, हमारा मतलब है रज्जू सुनो, ठंडे दिमाग से हमारी बात समझो। इतनी कड़क कड़ाती ठंड है, हम सारू जवान आदमी दो दो टोपा और मफलर लगाएंगे। सुनो, एज हो गई ना, इतनी सर्दी में उनके गुर्दा सुकड़ जाएंगे, मुंह में आ जाएंगे। उन्हें वहीं रहने दो ना, उन्हें बोलो गर्मियन में आइयो, गर्मियन में आइयो। देखो तुम्हें फिर भी कितनी फिक्र हो रही पापा की, है ना? तुम टेंशन ना लो, पापा हमारे बहुत तेज हैं, उन्हें कछु नहीं हुई है। वो आए रहे हैं, वो तो खुद तुमसे बहुत मिलना चाह रहे हैं, कह रहे हाओ हमाओ दमाद हमें तो मिस कर रहे हो। देखो पापा दौड़ के आ रहे हैं तुमसे मिलन। हाँ ठीक है, हेलो, तुम कुछ बोल कहीं ना रही हो। चली आना तूफान की दुकान पे। क्या ले गया? सारी मनुष्य आदमी ने बोली है कि सच में ससुर टपक गया घर पे। ये बढ़िया सिखा गई बिम्बलेसिया है, बिल्ली की तरह अपने नाखून तेज करते रहो, का पता कब इनकी जरूरत पड़ जाए। तुम भी ना हमें डरा के ना तुम्हें चैन मिलता है, कहीं ऐसे अचानक से टपक पड़ते हो। का भाऊ मौन व्रत ले लो है का? कटो, हुआ तो बहुत कुछ है, पता है चला। ऐसो का पता चल गया? मेरी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, किसी और के अटैक से हुई है। मेरी हत्या हुई थी।